इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि आज एक्सपायरी इतनी वॉलेटाइल क्यों थी। उसका सिंपल सा रीजन है कि दो दिग्गज स्टॉक्स का रिजल्ट था, एसबीएन का रिजल्ट था, आईटीसी का रिजल्ट था, और दोनों रिजल्ट्स को मार्केट ने पॉजिटिवली नहीं लिया है। पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ने अगर देखा जाए तो एक बड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग ही दी है। बैंक निफ्टी ने हायर हाई लगाया है और हायर लो लगाया है, ट्रेंड लाइन के अंदर ही क्लोजिंग दी है। मेरे हिसाब से ये बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग है, इट्स नॉट अ नेगेटिव क्लोजिंग। ऑल दो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 30 मिनट्स में जाते हैं, गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, बट कल से ऊपर ही क्लोजिंग दी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर अस टू नोटिस। अब इसको अगर हम देखते हैं तो एसबीआई में आप देखिए काफी उथल पुथल हुई है आज रिजल्ट्स आने के बाद। ऑलमोस्ट इट हैज ड्रॉप बाय एटलीस्ट 2-3% का ड्रॉप एसबीआई में उसके बाद आया था, एंड इट काइंड ऑफ लेट द वोलेटिलिटी इन द मार्केट। अब हम क्विकली एक बार देख लेते हैं कि ऐसा क्या था एसबीआई के रिजल्ट्स में जिसको मार्केट ने बहुत अच्छे से नहीं लिया। पहली बात तो इनकी इतने खराब भी रिजल्ट्स नहीं है, बट व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि जो रिजल्ट्स है ना वो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन होता है, मतलब प्राइस में ऑलरेडी रिजल्ट होता है इनकॉर्पोरेटेड। अगर आप देखो तो एसबीआईएन काफी समय से ऊपर जा रहा था। आप देखिए यहां से करीब 500 से लेके 500, 500 टू 590, ऑलमोस्ट लाइक 20% का मूव एसबीआई ने दे दिया था, एंड आई एम 100% श्योर देर इज सम इनसाइड इंफॉर्मेशन पीपल हैड, एंड दैट इज वाई व्हेन द रियल रिजल्ट केम आउट इट फेल मैसिवली। तो हमेशा आप याद रखिए कि लोगों को रिजल्ट्स पहले से पता होते हैं। आई डोंट नो व्हाट सेबी इज डूइंग अबाउट इट, बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स टू बी वेरी वेरी सीरियसली टेकन अप, बिकॉज हाउ कम पीपल नो इन एडवांस दिस, देर इज सम इनसाइडर्स ट्रेडिंग हैपनिंग, दैट इज वाई द प्राइस वॉज कंटिन्यूसली गोइंग अप, बट द मोमेंट रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड इट रिएक्टेड। सो जो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम है दैट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी 40,000, पहले साल थी इनकी 31,000, और ईयर ऑन ईयर बेसिस देर शुड बी इंक्रीज ऑफ 28% ईयर ऑन ईयर, एंड देर शुड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देर शुड बी एन अप बाय इट शुड बी अप बाय 5%। ऑल पॉइंट्स वर प्रीटी ओके। ग्रॉस एनपी एक्सपेक्टेड टू बी 2.9% वर्सेस 3.14%, दैट मीन्स दे शुड बी डाउन। नेट एनपीए शुड ऑल्सो बी डाउन। एडवांसेस एक्सपेक्टेड 31.8 लाख करोड़ वर्सेस 27.8 करोड़, विच आर अप बाय 16%। डिपॉजिट्स एक्सपेक्टेड 43 लाख वर्सेस 40 लाख लास्ट ईयर, विच इज अगेन अप क्यू ऑन क्यू बेसिस एज इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो देखा जाए मोटा मोटी तौर पे सारी चीजें पॉजिटिव थी, बट मार्केट ने जो रिएक्शन दिया है प्राइस को दैट वॉज नेगेटिव, एंड उसके चलते बैंक निफ्टी रिएक्टेड इन अ वेरी नेगेटिव वे। अब बात आती है कि कल के लिए मेरा क्या स्टांस रहेगा। सो द रीजन यही था मार्केट की वॉलेटिलिटी का। एक तो कुछ सम इंटरनेशनल इवेंट्स विच आर हैपनिंग लाइक द यूएस डेट सीलिंग इशू विच इज गोइंग ऑन, मार्केट इज लिटिल फियरफुल बिकॉज ऑफ दैट, दैट्स वन एस्पेक्ट, बट इट शुड नॉट इफेक्ट आवर मार्केट दैट मच, बिकॉज ओवरनाइट जो मार्केट ने ओपनिंग दी थी वो बहुत पॉजिटिव ओपनिंग दी थी। उसके बाद इन दोनों रिजल्ट्स के चलते मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं केवल आज बैंक निफ्टी की बात करूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में कल बाउंस आना बनता है। मेरे हिसाब से कहाँ पे बनता है लेट्स सी, 30 मिनट्स में देखते हैं कि अगर ये 43,900 के ऊपर जाता है तो मुझे एक डेफिनेट बाउंस आता हुआ दिखाई देगा टुवर्ड्स 44,100। ये सिंपल सा एक मैं लेवल देती हूँ, और अगर नीचे जाएगा तो 43,660 के नीचे आपको एक ड्रॉप मिलेगा टिल 43,450। ऊपर भी आपको 200 पॉइंट्स, नीचे भी आपको 200 पॉइंट्स मिलेंगे, ये मेरा टारगेट रहेगा। पहली एंट्री आपको मिलेगी 43,900 के ऊपर फॉर अ टारगेट ऑफ 44,100। नीचे की तरफ आपको 43,660 के नीचे आपको सेल करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 43,450। सो दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर, बिकॉज मार्केट वॉज वेरी वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ एस बी आई एन रिजल्ट एंड आई टी सी रिजल्ट।
एंड ऑफ कोर्स सम अनसर्टेनिटी इंटरनेशनली, बट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मार्केट इज नॉट बीइंग एबल टू क्रॉस ऑल टाइम हाई. देयर विल बी अ पेनफुल सिचुएशन बिकॉज थोड़ा अप एंड डाउन चलता रहेगा, मार्केट थोड़ा इनडिसाइसिव और अनसर्टेन बना रहेगा. अंटिल देयर इज अ क्लोजिंग अबव 41,150, वी कैनॉट से दैट मार्केट हैज क्रॉस्ड ऑल टाइम हाई. So with this, I'll be signing off. I have given you the levels 43,900 ke upar buy for 200 points, 43,660 ke niche sell for 200 points. This is going to be simple levels. That's about it for today. See you tomorrow in the live market. Do join me for live trading every single day from 10 to 11. Bye-bye. Take care. See you in the next video.